जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत सरकार ने इस समय भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है और सरकार के फ्री हैंड देने से इस समय पाकिस्तान में खलबली मची है। तभी तो पाकिस्तानी सेना ने ISI को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। भारतीय सेना के फ्री हैंड होने के साथ ही पाकिस्तानी सेना ने ISI को बड़ी ताकत दे दी है। पाकिस्तानी सेना के बाद सबसे ज्यादा ताकत रखने वाली खुफिया एजेंसी ISI की ताकत में अब जबरदस्त इजाफा हो गया है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI की ताकत किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार ने बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी को वो ताकत दे दी है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पूरे देश में अब किसी की भी कॉल इंटरसेप्ट कर पाएगी। अज्ञात हमलावरों द्वारा पाकिस्तान मारे जा रहे आतंकियों की मौत से पाकिस्तान सरकार जबरदस्त सदमे में है। यही कारण है कि अज्ञात हमलावरों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने खुफिया एजेंसी ISI को कॉल इंटरसेप्ट करने की ताकत दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने ISI को कॉल इंटरसेप्ट करने और उनका पता लगाने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत कर दिया है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया है। पाकिस्तान की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए पाकिस्तान की सरकार ने ये ताकत ISI को दे दी है कि ग्रेड 18 से नीचे के रैंक के अधिकारी किसी भी कॉल और संदेश को रोकने के साथ उसका पता लगाने के लिए सक्षम होंगे। अधिसूचना में ये तक कहा गया है कि सरकार विदेशी खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। बता दें पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें से ज्यादातर भारत के मोस्ट वांटेड भी थे। पाकिस्तान इसे लेकर भारत पर आरोप लगाता आया है। भारत ने इसके लिए खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के नागरिकों को मार रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अब ISI की ताकत में इजाफा कर दिया है और उसे कॉल इंटरसेप्ट करने की आजादी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।